तो भागलपुर का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान। मंदिर काफी खूबसूरत बनाया गया है। इसी गुफा के अंदर कई महीनों तक एक ही चटाई पे तपस्या किए थे। गुफा घाट का बगीचा इतना खूबसूरत है कि इसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो गाइज, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, इस ब्लॉग में हम आप लोगों को बिहार के भागलपुर जिले का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान दिखाने वाले हैं, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, तो फाइनली हम भागलपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को हम भागलपुर रेलवे स्टेशन दिखाएंगे, फिर चलेंगे उस स्थान पर। गाइस, तो भागलपुर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान कुपा घाट पे पहुंच चुके हैं, जो कि देख सकते हैं यही है कुपा घाट का मुख्य द्वार। अब चलते हैं कुपा घाट के अंदर और फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ है कुपा घाट के अंदर। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। सो चलते हैं कुपा घाट के अंदर। गाइस, तो कुपा घाट के अंदर आ चुके हैं। कुपा घाट एक आश्रम है, आप लोगों को बता दें कि कुपा घाट एक आश्रम है, लेकिन ये इतना खूबसूरत बनाया गया है कि लोगों की नज़र में ये आकर्षण का केंद्र है। कुपा घाट का बगीचा इतना खूबसूरत है कि इसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। यही वजह है कि यहाँ पे लोग देश विदेश से भी आया करते हैं। और गाइस, अभी हम आ चुके हैं महासंत महस्य जी का समाधि मंदिर के पास, जो कि देख सकते हैं यही है महासंत महस्य जी का समाधि मंदिर। चलते हैं मंदिर के अंदर और फिर हम आप लोगों को महासंत महस्य जी का समाधि मंदिर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं महासंत महस्य गुरु जी का समाधि यही है, क्योंकि देख सकते हैं यही है पूरा मंदिर। देख सकते हैं शीशा के तार से बना हुआ ये मंदिर है। इस मंदिर के लिए चारों तरफ से गेट खुला हुआ है, आप किसी भी गेट से मंदिर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और देख सकते हैं मेन गेट ये है मंदिर के अंदर आने का, हालांकि अभी मेन गेट बंद है लेकिन ये गेट खुला रहता है, आप इस गेट से मंदिर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और एक गेट इस साइड से बना हुआ है, तो आप किसी भी रूट से अंदर आ सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ आप लोग घूम सकते हैं। मंदिर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे ये मंदिर बनाया गया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। समाधि मंदिर के जस्ट बगल में गाइस एक और समाधि मंदिर है, जो कि ये है महासंत महस्य जी का सेवी का समाधि मंदिर, जो कि देख सकते हैं। हालाँकि इस मंदिर में अभी काम चल रहा है, हम आप लोगों को बाहर से ही उनका दर्शन करवाते हैं। महासंत महस्य जी का सेवी का समाधि, जो कि देख सकते हैं इसे भी समाधि मंदिर के नाम से ही जानते हैं सभी लोग, और गेट पे भी ये समाधि ही मंदिर ही लिखा गया है। अभी हमें कुपा घाट का सत्संग हॉल में, जो कि देख सकते हैं इसी स्थान पे सत्संग होता है, देख सकते हैं हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे पर डे सत्संग इसी स्थान पे होता है। सभी लोग के बैठने के लिए यहाँ पे लगाया गया है, जो गुरुजी सत्संग करते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं, जो कि हम नज़दीक जाकर आप लोगों को दिखाते हैं। महासंत महस्य जी का एक देखने लायक यहाँ पे उस जमाने का कार है, जो कि हम आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि यही गुरु जी का कार रखा हुआ है यहाँ पे रेड कलर में, जो आप लोगों को कार दिख रहा है ये गुरु जी का ही कार है उस जमाने का, जो कि यहाँ पे रखा गया है।
राजस्थो कुप्पा घाट के अंदर एक प्राचीन गुफा भी है। हालांकि सुन के आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन चलिए हम आप लोगों को दिखा दें। राजस्थो कुप्पा घाट के ऐतिहासिक गुफा के पास आ चुके हैं, देख सकते हैं यही है गुफा का मुख्य द्वार। हालांकि अभी ये गेट बंद है, अगर अभी परमिशन लेने के बाद गेट बोले हैं कि बाबा जी नहीं खुलेगा, कभी और किसी और दिन अगर यहाँ पे आइएगा तो आप लोगों को अगर मौका मिल जाए तो आप लोग अंदर जाके भी घूम सकते हैं। हालांकि फोटो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाते हैं अंदर तक भी जाके घूम सकते हैं, ये गुफा आज भी है। हम आप लोगों को हालांकि बाहर से ही दिखाते हैं। जो अभी परमिशन लेने के बाद यहाँ पे बोला गया कार्यालय में कि ये गेट अभी नहीं खुलेगा, हालांकि इसका भी एक टाइम होता है, इस बार अभी नहीं खुला गया। अगर कभी और दिन आएंगे हम यहाँ पे, अगर मौका मिलेगा तो हम आप लोगों को अंदर जाके भी दिखाएंगे। हालांकि गुफा आज भी गुफा के अंदर आप लोग जाके घूम सकते हैं। तो अगर आप लोग कभी यहाँ पे आइएगा तो जरूर एक बार परमिशन लीजिएगा। हालांकि आप लोगों को अगर परमिशन मिल जाएगा घूमने का, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि गर्मी के दिन में ही परमिशन मिलता है, हल्का हल्का भी ठंड आने के बाद बंद किया जाता है, उसके बाद नहीं खुलता है। पुरानी कथाओं के अनुसार महासंत महाशय जी ने इसी गुफा के अंदर कई महीनों तक एक ही चटाई पे तपस्या किए थे, इसी वजह से ये गुफा इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पे बिहार से तो लोग आते ही आते हैं, लेकिन देश विदेश से भी इस गुफा को देखने के लिए यहाँ पे रोजाना काफी लोग आते रहते हैं। गुफा के जस्ट बगल में गाइस आप लोगों को एक आश्रम का ही बुक स्टोर मिल जाएगा, जहाँ पे इस आश्रम का ही बुक मिलेगा और गुरुजी का यहाँ पे फोटो वगैरह भी मिल जाएगा, सभी कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा इस आश्रम का, तो आप लोग यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कुप्पा घाट का गार्डन इतना प्रसिद्ध क्यों है। ये सिर्फ नाम का नहीं है गाइस, सच्ची में ये काफी खूबसूरत है। रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है, इस गार्डन का ये काफी खूबसूरत है, बोलने के लिए नहीं गाइस देखने के लिए भी। बिहार के बहुत कम ही गार्डन में इस तरह का खूबसूरती हमें देखने को मिला है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। घाट का अर्थ ही होता है गुफा या सुरंग, घाट का अर्थ होता है नदी का तट, जो कि कुप्पा घाट से जस्ट बगल में एक नदी भी है। ये कुप्पा घाट भागलपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर के दूरी पर मायागंज में स्थित है। ये कुप्पा घाट बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक स्थान है, अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहते तो आसानी से आ सकते हैं, काफी घूम भी सकते हैं, और यहाँ पे अगर रहने का आप लोगों का अगर इच्छा हो तो यहाँ पे रहने का भी सुविधा है, आप लोग यहाँ पे रह भी सकते हैं। गाइस तो इस स्थान पे जो भी कुछ था सभी कुछ हम आप लोगों को दिखा दिए हैं। सो वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो गाइस प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।